तो नमस्कार भैया, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। हैं बढ़िया है ना? अरे बढ़िया रहना चाहिए यार। लाइफ में देखिए बहुत सारा जो दुख आता रहता है ससुराल जाता रहता है। लाइफ का ये उसूल है ससुराल, जिंदगी का दूसरा नाम कठिनाई है और मतलब दुख है। तो इस ससुराल जीवन में आना जाना इसका लगा रहता है। टेंशन किसी बात का नहीं लेना चाहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, अपना टेंशन नहीं लेने का यार। टेंशन लेने से दिमाग खराब होता है और जो काम होना होगा वो ससुराल होगा ही होगा। तो टेंशन नहीं लेने का किसी बात का, ठीक है? चाहे आप अपनी कभी कोनो भी स्टेज हो, हम भी ससुराल बहुत मतलब कोशिश किए, काम थोड़ा सा फेल हुए, उसमें कुछ सीखे, फिर कुछ आगे बढ़े, उससे कुछ सीख मिली हमको कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसमें इम्प्रूव किया जाता है, क्या दूसरा काम किया जा सकता है, इसके माध्यम से क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं यदि आप लोग कोशिश करते हैं। तो कोशिश ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो उसे सोचते रहें भैया आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो इस तरह से कभी सफल नहीं हो पाएगा इंसान। तो आज आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूँ। एक अंडे का बिजनेस हमारे एरिया में, हमारे इलाके में एक अंडे का बिजनेस एक बंदा करता है और मैंने वहाँ पे गया और उसका वीडियो भी बनाया, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया उसका अंडा जो था बहुत अच्छा बना था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं वहाँ पे गया, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, शैलेश प्रजापति GKP नाम से। तो मैंने वहाँ पे गया और अपने ब्लॉग के लिए उसका वीडियो भी बनाया, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा मुझे लगा उसका जो अंडा बनाने का तरीका था। देखिए आसपास तो बहुत सारे लोग अंडा बना रहे थे, लेकिन उसका अंडा जो था, अंडे की दुकान जी, तो बहुत ज़्यादा चल रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब लोग उसके दुकान पे आते थे खाने के लिए, क्योंकि देखिए उसका स्वाद जो था, अंडे का स्वाद जो था बहुत अच्छा था। और फिर से वो मटर बनाता था तो मात्र 5 रुपये मटर देता था, लेकिन कसम से खाने के बाद यह मज़ा आ जाता था अंडे को और उसके अंडे को और उसके मटर को खाने के बाद। तो मैंने उसके लिए उसका वीडियो भी बनाया, तो मैं ऊपर आई लिंक में उसका वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख सकेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मतलब कितने अच्छे तरीके से बनाता है, उस पे लोग उसके दुकान पे लोग आते हैं बिना पूछे, यदि कोई माउथ टू माउथ पब्लिसिटी उसकी हो गई कि मतलब एक बंदा अगर कोई गया खाने उसके दुकान पे, तो फिर जा करके आगे लोगों को बताता कि भैया यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अगर आप अंडा खाना चाहते हैं तो 1 नंबर का अंडा देता है और मटर बना करके आप 1 नंबर का देता है, एक बार खाने के बाद उसके दुकान पे लोग बार बार जाएंगे। तो मैं भी उसका वीडियो बनाया और प्रमोट किया, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग उसके दुकान पे गए और जाने बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए दुकान खोलना तो ज़रूरी है लेकिन इसके साथ मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उसका जो मार्केटिंग भी किया, इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग जाने उसके दुकान पे गए, उसके दुकान की बिक्री बढ़ी और सारे लोग वहाँ पे गए, तो अब माउथ पब्लिसिटी होगी वहाँ पे, जो लोग गए हमारे माध्यम से, अब वो लोग वहाँ पे जा करके अंडे खाएंगे, उसके मटर खाएंगे, तो माउथ पब्लिसिटी करेंगे, वो खा करके जाएंगे, किसी और को बताएंगे, अपने दोस्त को बताएंगे, अपने मित्र को बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, तो इसके भी माध्यम से क्या होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा और उसके बारे में लोग जानेंगे, तो वहाँ पे जाएंगे, उसके दुकान पे जाएंगे। तो ये जो अंडे का बिजनेस है ना, बहुत अच्छा है, और यदि इस बिजनेस को आप लोग करना चाहते हैं तो देखिए ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और बहुत कम सस्ते में क्या होता है कि मटन, चिकन और ये अंडा जो है, तीनों मतलब बहुत मशहूर चीज़ है और ये मांसाहारी चीज़ों में आता है, या फिर आप लोग समझे तो अंडे को कुछ लोग शाकाहारी कहते हैं, कुछ लोग मांसाहारी कहते हैं। तो आप इसमें भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस की कमाई कर सकते हैं। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे अपने मटर के बिजनेस को, अंडे और मटन, अंडा और मटर के बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अंडे का जो दुकान है वो करना चाहते हैं और उस दुकान से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के, और वहाँ पे जाकर के देखिए कैसे वो अंडे बनाता है भाई, और कैसे आप लोग भी सीख सकते हैं अंडे बनाने के तरीकों को। वैसे तो अंडे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आइडिया हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं अंडे कैसे बनाया जाए, अंडे की रेसिपी कैसे बनाया जाए, अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए, तो बहुत सारे लोग मतलब बताए हुए हैं, तो वहाँ पे जाकर के सीखिए। और ये मतलब बहुत अच्छा आइडिया है और इस आइडिया को, इस बिजनेस को करके आप लोग बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो यदि आप लोगों का कोई बात हो, कोई चीज़ मतलब पूछना चाहते हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर आप लोग पूछिएगा कि कैसे और किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं, या फिर किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए भैया टॉपिक हमारे पास बहुत है, लेकिन
किस चीज़ को आप लोग देखना चाहते हैं ये भी थोड़ा जानना चाहता हूँ आप लोगों से, कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं और किस चीज़ के बारे में आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए किस चीज़ के बारे में आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए आइडिया के साथ, एक नए स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियो को देखने आते रहिए। नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।